बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पीएचजी के एकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ तमाम तलबा को खुश आमदीद कहते हैं। पीपीएससी एफपीएससी की तमाम न्यूज़ अपडेट्स, और आज की जो हमारी न्यूज़ अपडेट्स है वो है जनाब लिटरेसी मोबिलाइज़र असिस्टेंट पंजाब पुलिस और कैनाल पटवारी कि इसका जो टेस्ट है वो कब तक हो सकता है। तो आपको अच्छी तरह जानते हैं कि सारे बंदे इस चीज़ का वेट कर रहे हैं कि ये टेस्ट जनाब आए और हम टेस्ट दें। मैं आपको एक बात बता दूँ कि मैं आपको जो एक डेट बताता हूँ, मुतवक्के डेट बताता हूँ, वो अपने एक्सपीरियंस पे बेस पे बनाता हूँ कि ये जनाब ऐसे हो सकता है पॉसिबल। तो सबसे पहले मैं बता दूँ, पेपर जो है ना, सबसे पहले पेपर होगा कैनाल पटवारी का, ठीक है। कैनाल पटवारी का जो पेपर है, या तो वो 17 सितंबर को है या फिर 24 सितंबर को है, ठीक है। और लिटरेसी मोबिलाइज़र का जो टेस्ट है वो सितंबर का जो आखिरी एतवार होगा उसको होगा, या फिर अक्टूबर का पहला जो वीक होगा उसमें होगा। ये दो डेटें आपने जहन में रख लिया, ठीक है। असिस्टेंट पंजाब पुलिस का पेपर मज़ीद लेट हो सकता है, यानी अक्टूबर का मिड हो सकता है या अक्टूबर का एंड हो सकता है। दोबारा सुन लें, कैनाल पटवारी का पेपर 17 सितंबर को या फिर 24 सितंबर को, ये दो डेटें आपने जहन में रख लें। इन दो डेट में से कैनाल पटवारी का पेपर हो रहा है। लिटरेसी मोबिलाइजर का पेपर इसके बाद होगा, या तो सितंबर के आखिरी वीक में होगा या फिर अक्टूबर के पहले वीक में। असिस्टेंट पंजाब पुलिस का शेड्यूल में थोड़ी तब्दीली हो जाएगी, वो जनाब अक्टूबर के मिड में चला जाएगा या अक्टूबर के आखिर में। तो ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। बाकी किसी और चैनल के साथ मैं खबर के साथ वो नहीं रखता, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस की बेस पे बनाता हूँ। क्योंकि और पीपीएससी का ये असूल है कि पीपीएससी ने जब भी किसी पेपर का ऐलान करना होता है तो पीपीएससी वाले पहले जो है याद रखिएगा उसको 10 से 15 दिन पहले जो है उसको यहाँ पे जो है लगा देते हैं प्लानर पे। तो इसलिए ये प्लानर के ऊपर ये ना इसी वीक में अपडेट हो जाएगा कि पेपर जो है कब है। तो तमाम स्टूडेंट को मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप तमाम अपनी तैयारी है वो फोकस करें, क्योंकि ये जो हमारे सामने जनाब पेपर है पीपीएससी का, वो जनाब ये तीन पेपर जो है मैंने बताए हैं वो जनाब लाजमी हो रहे हैं, ठीक है। तो ये पक्की पक्की खबर है, क्योंकि दफ्तर के अंदर या तो सेक्रेटरी मौजूद नहीं था या फिर चेयरमैन मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से पेपर भी नहीं हुए और रिज़ल्ट भी नहीं आए। अब रही बात जनाब रिज़ल्ट की, तो रिज़ल्ट जितने भी हैं वो इसी वीक में क्लियर हो जाएंगे। मैड भी पॉसिबल के 5:30 बजे के बाद रिज़ल्ट आ जाए, 6 तक आ जाए, लेकिन इस वीक में इंशाल्लाह ताला रिज़ल्ट सारे क्लियर हो जाएंगे और तमाम लोग अपनी तैयारी को फोकस करें। बाकी प्लानर इंशाल्लाह ताला आज कल परसों यानी इसी वीक में जो है प्लानर अपडेट होगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी जो मैंने आपसे शेयर की है। उम्मीद है आप हमारी इस न्यूज़ से वाबस्त रहें, इस चैनल को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं, अगर आप ये समझते हैं कि वाकई हम बहुत अच्छी बात करते हैं, हम सिर्फ एक रिक्वेस्ट करते हैं आप चैनल के ऊपर अच्छे कमेंट्स किया करें, लाइक कर दिया करें, और अगर हो सके तो आप इसको किसी और के साथ शेयर भी कर दिया करें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।